खाना हो कुछ अलग और नए। ये रेसिपी मुझे यकीन है आपने पहले नहीं खाया होगा, तो चलिए कैसे बनता है इस डिश को देखते हैं। मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी साबूदाने के पराठे और ये समा के चावल जो रामधन भी बोलते हैं उसके पूड़ी बनाऊंगी। लेकिन बनाऊंगी मैं ये नॉर्मल नहीं होंगे, अलग ट्विस्ट के साथ। पराठे भी बनेंगे अलग ट्विस्ट के साथ और पूड़ी भी बनेंगे अलग ट्विस्ट के साथ। तो सबसे पहले हमने साबूदाना को और समा के चावल को अच्छा से पोंछ के हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि ये अच्छा से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाए। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते। पहले देखिए कितना बढ़िया फाइन पेस्ट हो चुका है साबूदाना का और ये समा के चावल का भी। देखिए बहुत ही बढ़िया। इसे आप चाहो तो छान लीजिएगा, मैं तो छानने की जरूरत नहीं समझती क्योंकि ये बहुत ही महीन हो गया है, इसलिए हम मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब ये साबूदाना के आटे को हम परात में ले लेंगे। जब हमारा साबूदाना है तो 1 कप ही हम बॉईल किए हुए ग्रेट करके हमने आलू ले लेना है, थोड़ी सी हरी मिर्ची कुटी हुई, इसे अदरक ग्रेट की हुई। व्रत में अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हो तो जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं हरी मिर्ची ग्रेट की हुई कुटी हुई डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर पानी की ज़रूरत हुई तो हम पानी डाल के इसको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये हमने आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी और चाहिए हमको। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा जीरा साबुत, एक चम्मच जितना हमने तेल डाल दिया। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि साबूदाना हमारा भीगेगा, ये पानी बहुत सोखता है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट सा हमने डो गूथ लिया। अब थोड़ा सा हम इसको 1/4 भाग, हम 1/3 भाग हम इसमें अलग रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये जो हमने सामान चावल के आटा बनाए हैं उसको इसमें डाल देंगे। थोड़े से बॉईल किए हुए आलू डालेंगे, थोड़ा डालेंगे हरा धनिया, इसे डालेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्ची कुटी हुई, थोड़ी जीरा, इसे डालेंगे अदरक क्योंकि पहले इसमें है ही ऑलरेडी। अब थोड़ी से और डालेंगे हम तेल, ये अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर पानी की जरूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भी गूंथ लेंगे। ये देखिए इसे भी हमने गूंथ लिया। इसे थोड़ा सा हमने सख्त रखा क्योंकि मुझे इसकी सख्त आटा चाहिए, इसीलिए अब इसको भी हम रख देते हैं। चलते हैं आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने 2 शक्करकंदी ले लिए, इसको बॉईल कर लिया, ओवर कुक नहीं किया हमने, मतलब 2 सीटी लगाए थे हमने, ये देखिए तो ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुआ, मुझे इसी तरह के चाहिए। इसको भी हम छोटा छोटा काट लेंगे। ये हमने फ्राई पैन ले लिया, इसमें 2 चम्मच डाल देंगे ऑयल, आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। हमने जो शक्करकंदी काट के रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। ये हमारा शक्करकंदी भी अच्छा से फ्राई हो चुका है। अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं, इसमें से कुछ मसाले अगर आप ना खाते हो ब्रेड में तो उसे स्किप कर सकते हैं। ये डाल दिया हमने सेंधा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची, 1 हरी मिर्ची कुटी हुई, थोड़ी सी नींबू का रस। गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। थोड़ी ये पराठे के आटे को हमने थोड़ा सा और अच्छा से मसल लिया, स्मूथ कर लिया। अब इसके बनाते हैं पराठे। ये हमने शामक के चावल है उसी से बेल लेंगे। आप राजगिरा के आटा से या कुट्टू के आटा के साथ में इसे बेल सकते हो या फिर कटिंग करके गोल शेप में बना सकते हैं इसे।
देखिए पैन हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर डाल दिया। अब दूसरा रोटी हम बेल लेंगे। देखिए हमने इसे पलट दिया, अब इसमें ऑयल लगा के हम फ्राई सेक लेंगे इसे। आप चाहो तो घी डाल सकते हो। मैं थोड़ी पतली बनाई हूँ तो इसीलिए ये थोड़ा सा कम फूल रहा। आप थोड़ा सा हल्का और मोटा रखोगे तो अच्छा से आपकी रोटी फूली फूली पराठे बनेंगे। तो इसे पलट देंगे हम। ये देखिए सारे पराठों को हमने बना लिया, अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं पूरी की ओर। सारे इसके ड्रेसिंग मैं एक साथ में ही करूँगी। पूरी का आटा को भी हम अच्छे से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। ये हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है। अब एक कटोरी या कुकी कटर ले लीजिए, इससे इससे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे। हमने सारे बेल लिए, चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल एक करके हम डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए कैसे फूल रहा है। थोड़ी देर में फूलती है क्योंकि ये आटे की नहीं होती है, इसीलिए इसे थोड़ा फूलने में टाइम लगता है। थोड़ा पेशेंस रख के आप करिएगा। ये देखिए अलटते पलटते ऐसे गोल्डन कलर का हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे फ्राई कर लेते, चलिए अब असेंबल कर लेते हैं इसके। अब ये पूरी को असेंबल करने के लिए हम उसका फिलिंग बनाएंगे। ये हमने ले लिया शक्करकंदी का दूसरा भाग, एक पहला भाग जो रखा था हमने, उसमें डाल देंगे हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा ही डाल देंगे नमक, नमक हमने पहले भी डाला है, और थोड़ा डालेंगे हरा धनिया। कुछ हम सिंग दाना भून के रखे थे उसको डाल देंगे। थोड़े डालेंगे अनारदाना। अब इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी ही डालेंगे नींबू का रस, जो बहुत ही चटपटा और टेस्टी बना देगा। अब इन्हें हम चक्कू के सहायता से इसको थोड़ा सा काट लेंगे ऐसे। अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे इमली की चटनी इसके अंदर। थोड़ी सी डालेंगे दही इसके अंदर, हम इस फिलिंग को भर देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर से भी डाल देंगे दही। थोड़ी सी डालेंगे इमली चटनी। इमली की चटनी हमने खजूर और इमली की बनाई है। इसमें मैंने सेंधा नमक डाल के बनाया है, ये इसलिए व्रत में खा सकते हो। आप चाहो तो बिना व्रत के भी इसको खा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी डाल देंगे हरी चटनी। थोड़े से हरा धनिया। तो ये बन गई हमारी पहली डिश, जो समा के चावल के है, चाट के चाट और पूरी के पूरी। तो अब दूसरी डिश तैयार करते हैं। मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो आप। अब दूसरी पराठे की हम तैयारी करते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ा नमक। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई, आप चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेंगे। ले लेंगे एक पराठा, इसके ऊपर से लगा देंगे थोड़ी सी मीठी चटनी इमली की, थोड़ी सी इसके अंदर हम बीच में ये आलू की फिलिंग्स को डाल देते हैं। थोड़ी सी ऊपर से हम डाल देंगे हरी चटनी, थोड़ी डाल देंगे ऊपर से
मीठी चटनी टेस्ट को बढ़ाने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा लगा देंगे अनारदाना। इसे हम ऐसे रैप कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, है ना यूनिक हमारी डिश, जो दिखने में टेस्टी है, चाट की और पेट भरने का सारा मजा हमारा इसमें दोनों चीज़ों में है, पूड़ी के पूड़ी, चाट के चाट, और ये रोल भी है। तो चलिए मेरी ये डिश जरूर बनाइएगा, डिश अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में